बच्चों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी घर में सुरक्षित होंगे। ओके, तो चलिए हम अभ्यास करते हैं स्वर और उनकी मात्राएं और व्यंजन। ओके, तो स्वर, स्वर क्या है? स्वर हम किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के बोलने में हमें किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं अपने? स्वर कौन कौन से होते हैं? लिखेंगे हम स्वर को, देखते हैं यहाँ पर स व अदशा व र स्वर। स्वर क्या क्या आते हैं अपने? आ इ ई उ ऊ रि ए ए ओ औ अम आह। हमने छोटे से हमने कहाँ पढ़ा है? आ स्वर पढ़ा है, आ से आह तक ही पढ़ा है ना। लेकिन हिंदी ग्रामर में हम पढ़ेंगे स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ से औ तक। कहाँ तक? आ से औ तक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अम और आह दो बच गए, तो ये अम और आह क्या है? ये अयोगवाह। क्या है ये? अयोगवाह कहलाते हैं। अम जो होता है वो क्या कहलाता है? अपना अनुस्वर कहलाता है। ओके, और आह जो होता है वो क्या कहलाता है? अपना विसर्ग। क्या कहलाता है? विसर्ग। मतलब क्या हुआ? जो स्वर अनुस्वर और विसर्ग की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है उसे? अयोगवाह। जो स्वर अनुस्वर और विसर्ग की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें अयोगवाह बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ आपको समझ में आया स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 होते हैं, आ से औ तक होते हैं। अम और आहा जो होते हैं वो अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अब हम इनकी मात्राओं के बारे में देखते हैं। ये मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? मात्राएं, ठीक है, अब मात्राओं को देखें तो मात्राओं के लिए भी हमें स्वर लिखना है। तो स्वर हम कहाँ से लिखेंगे? आ ई ई ई उ ऊ रि ए ए ओ आओ। ठीक, अब इनकी हम मात्राओं को देखते हैं। ठीक है, जो आ जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है, तो यहाँ पर हम एक डंडे खींचेंगे आ की मात्रा। ये क्या है? छुटी ई, तो छुटी ई की मात्रा कैसी होती है? यहाँ होती है छुटी ई की मात्रा। ठीक, बड़ी ई की मात्रा कहाँ से होती है? पीछे की ओर जाती है बड़ी ई की मात्रा। उ, तो ये क्या है? छुटू की मात्रा। क्या है ये? छुटू ऊ की मात्रा। ये क्या है अपना? बड़ू ऊ की मात्रा। तो ये मात्रा ऐसी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आया रि की मात्रा, तो रि की जो मात्रा होती है वो ऐसी होती है। ओके, फिर यहाँ पर ए ए की मात्रा। ओके, फिर नेक्स्ट है आई की मात्रा, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम? आई की मात्रा। ओके, नेक्स्ट है ओ की मात्रा, नेक्स्ट औ की मात्रा। तो ये क्या थी? आ से औ तक की मात्रा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं अपने? कौन बता सकता है व्यंजन? व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, सॉरी 35 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 35। आइए हम इसका अभ्यास करते हैं व्यंजन को। व्यंजन, अब व्यंजन में क्या क्या आते हैं बताइए। यस, का क्या आता है? कप। ठीक है,
जिन वर्णों के बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, जैसे का, तो जब हम का बोल रहे हैं तो उसके साथ स्वर आ रहा है, आ का उच्चारण आ रहा है ना, का आ, है ना। फिर खा, गा, यहाँ पर ऐसे लगा दिया जाता है ना, क्योंकि उनके साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, स्वर की साथ आ रही है ना, का, खा, गा, घा, फिर इंगा, फिर चा, छा, जा, झा, इया, ओके, ने, टा, ठा, ड, ढ, अणा, फिर ता, ता, था, द, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, ओके, फिर शा, शा, सा, हा, नेक्स्ट, छ, त्र, ज्ञ, एंड स्र, ओके। तो ये क्या है अपने व्यंजन, का से स्र श्रमिक तक जो लिखा जाता है वो क्या कहलाते हैं, अपने व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम ने आज पढ़ा स्वर, उनकी मात्राएं और व्यंजन। तो आप इसे हमेशा याद रखें, हमेशा प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्वर व्यंजन आप लोगों को अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा अक्षर स्वर है और कौन सा व्यंजन है। ठीक है, और उनकी मात्राओं को हमेशा याद रखना, जब हम बुक रीडिंग करते हैं ना तो हमको मात्राओं में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, होमवर्क यही है कि आप स्वर व्यंजन का बार बार अभ्यास करें। ओके।